भैया मैसेज भी कर रहे थे कि भाई कहाँ है आप। ये चलाने में आप ज्यादा मजा आता था कि ये वाला ऊपर करके किया है जिसके कारण ये वाला टच ना हो। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आया न्यू बिहार ऑटोमोबाइल और देखो एक रिबॉन आया है जिसमें शॉर्ट हैंडल लगा है भाई, मतलब ओल्ड क्लासिक वाला हैंडल। और आप लोग कंप्लेन भी करते हो कि कैसे हैंडल लगाते हैं, कि क्योंकि आप लोग जब लगाते हो तो ये जो वायर है ये आपको साइड में लग जाता है, पर हमारा देखो कंप्लीट भाई पूरा जगह बचा हुआ है। तो बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हैंडल हम लोग जब भी ड्रिल करते हैं ना दोनों साइड ड्रिल होता है, लेफ्ट हैंड बॉडी और राइट हैंड बॉडी लगाने के लिए। तो बेसिकली ड्रिल एक जगह नीचे होता है एक जगह ऊपर होता है, तो आप लोगों को पहले सेट करना होगा भाई, सेट करके देखना होगा कि ये वाला वायर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसके बाद ही आपको ड्रिल चलाना होगा। जैसे कि देखो ये होता है कि ये थोड़ा नीचे रहता है, इसको थोड़ा सा ड्रिल हम लोग आगे में किए हैं। इसका सुनो भैया ये राइट साइड में ऊपर में ड्रिल किए हैं क्या, ये ऊपर में ड्रिल यहाँ इसमें हुआ है, तो इसका ड्रिल कैसे किए एक बार बता दीजिए ना। इसका थोड़ा सा इसका नीचे से हुआ है तो इसका ऊपर से, तो इसको थोड़ा सा नीचे करके ड्रिल किया ना कि हैंडल में लगे ना इसके एक्सलेटर वायर। तो बेसिकली जो रिबॉन का होता है ना उसका थोड़ा ऊपर होता है और हैंडल भी उसका बड़ा है तो उसके कारण लगता नहीं है। लेकिन अभी अब देखोगे तो इसमें थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा नीचे हम लोग इसको लगाते हैं ना फ्रंट। और अगर बाइक के बारे में बताए तो यही भैया का बाइक है। पहले भैया वेलकम। अब भैया मैसेज भी कर रहे थे कि भाई कहाँ है आप, उसके बाद कितना देरी से आप है यहाँ पे? एक घंटा हो गया। हैंडल चेंज अभी क्या चीज़ है? एग्जॉस्ट। चलो एक चीज़ बताओ फ्रंट, सिर्फ मेरे को कंप्लेन आता है कि हैंडल टच हो जाता है इधर, ये एक्सीडेंट नहीं कर पा रहा होगा ना, टच हो रहा है अभी तो टच नहीं हो रहा, मतलब ये थोड़ा सा बॉडी आगे करके हुआ है ना। बाकी ये वाला एक्सीलेटर वायर आपको इस साइड से दिखाते हैं कंप्लीट भाई, एक्सीलेटर वायर जो है थोड़ा सा ऊपर करके किया है जिसके कारण ये वाला टच ना हो टैंक में। स्विच थोड़ा डाउन करके हम लोग ड्रिल किए हैं ना, इतना डाउन किया है कि मतलब अच्छा चलाने में भी सही लगे, ब्रेक वगैरह प्रॉपर लगे। चलो शॉर्ट हैंडल देख रहे हो किस टाइप का लुक आ रहा है, बाकी लॉन्ग हैंडल में अगर देखो आपको दिखाते हैं, ये जो आप होल देख रहे हो ना बेसिकली यही होल होता नहीं है हमारे शॉर्ट हैंडल में, तो ये वाला करना पड़ता है हम लोग को ऊपर से, तो ये वाला होल नीचे में थोड़ा सा आगे, जैसे कि ये होल यहाँ पर थोड़ा सा आगे यहाँ पर किया गया होगा इस पोर्शन में, जिसके कारण उसका जो एक्सीलेटर वायर है वो टैंक में नहीं लग के बाकी हवा में उड़ रहा है भाई, उड़ रहा है इन द सेंस मतलब कि हवा में। तो और बाकी आप स्टॉक हैंडल तो देख रहे हो, स्टॉक हैंडल बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। ये दोनों भैया ये चलाने में आप ज़्यादा मज़ा आता था कि ये वाला? चलो भैया भी सेटिस्फाइड है पूरा। और बाकी अभी आप चला के देख लीजिएगा फिर बताइएगा कैसा लगा आपको। और एग्जॉस्ट नोड भी चेंज हो रहा है भैया, बोले एग्जॉस्ट नोड भी चेंज कराते हैं। और इसका देखो इस साइड ऊपर में होल है, तो ये होल प्रॉपर ऊपर में ही किया गया क्योंकि इस साइड वाला बॉडी कुछ टच नहीं होता, लेकिन एक्सीलेटर वायर जो है वहाँ पर वो टच होता है। अभी हम लोग एग्जॉस्ट खोल दिए हैं भाई, कैट कैन भी लगा रहे भाई इसका एग्जॉस्ट क्लासिक वाला जो इंदौरी है। चल और बाकी दूसरे एग्जॉस्ट भी चेक कर रहे हैं हम लोग, शार्क बाकी वो वाला कंप्लीट प्रीमियम है क्योंकि वो वाला में ज़्यादा साउंड आता नहीं है क्लासिक वाले में, उसका भी हम लोग आपको साउंड सुनाते हैं। लगा दीजिए ना, उसका हम साउंड सुना नहीं पाए, बात कर रहे थे अंकल से। तो बहुत लो हो गया, निकाल लीजिए सुनो काफ़ी। अच्छा गोल्ड स्टार लगा के देखते हैं भाई अभी फिलहाल। एक प्रीमियम साउंड में आपको इंदौरी ही लगेगा सही, बाकी सारा बेस में आपको आएगा, जैसे इसका आवाज़ सुन लीजिए। अगर आप लोगों को भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी अगर बस एग्जॉस्ट चेंज करके हल्का सा साउंड बढ़ाना है स्टॉक से अलग, देन यू शुड गो विद द इंदौरी। तो गाइस शॉर्ट पंजाब लगा रहे हैं हम लोग बड़े मोह वाला, वो भी स्टॉक में। बैंड पाइप चेंज हो जाता है ना तब बहुत हेवी साउंड करता है।
उसका बेंड पाइप निकाल देंगे तब हीवी हो जाएगा ना। बेंड पाइप हटाने के बाद इसका साउंड कैसा आता है, ओल्ड स्टैंडर्ड जैसा ना, रेफ करने पे ऐसा थम वगैरह नहीं लेकिन बहुत हेवी। इंदौरी सो भाई देखो इसका साइलेंसर वगैरह कंप्लीट फिटिंग वगैरह हो गई और स्टॉक बेंड पे ही हुआ है और पीछे पर्दा वगैरह नहीं लगा रहे इसमें, नॉर्मल पीछे का लुक। ऐसे अगर बताएं तो मड फ्लैप लगाने के बाद बहुत ख़राब हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मड फ्लैप लगाने के बाद जो लुक है ना बहुत ज़्यादा गंदा आता है, लेकिन फिर भी यार कस्टमर हम लोग को कहते हैं कि लगा दे तो हम लोग लगा देते हैं। ऐसे तो देखो इसका लुक कैसा आ रहा है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। अब बाकी शॉर्ट हैंडल लगने के बाद तो लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया, जो ओल्ड क्लासिक का हैंडल लगा कंपेयर करेंगे अगर ये वाले रिबॉन के हैंडल से, तो ये रिबॉन का हैंडल जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर यहाँ से आप देखोगे तो ऊँचा भी है और बड़ा भी है यार बहुत ज़्यादा। तो इसे चलाने में इसे ठीक ही फील आता है, लेकिन तब भी लोग जैसे हम लोग जानते हो कि चेंज कराने खोजते हैं बहुत कर, तो चेंज हो गया भाई और शॉर्ट कंप्लीट लग गया। जैसे देखो स्टार्ट कर लो, चलो अभी स्टार्ट करके सुनाते हैं आप लोग को एग्जॉस्ट कंप्लीट प्रॉपर जो इंदौरी लगा है क्लासिक का। ऐसे तो अगर आप लोग साउंड सुनोगे तो पूरा लो है और थ्रॉटल लेने पर ही लाउड, थोड़ा सा लाउड होता है भाई। और ये वाला जो साउंड है वो आपका कैटकिन लगा के आ रहा है, कैटकिन खुलता है तो थोड़ा सा आवाज़ खुल जाता है, लेकिन ये तीन जारी वाला इसमें अच्छा साउंड आता है भाई कैटकिन लगा हुआ में भी। चलो और बाकी आप लोग हैंडल तो देख ही रहे हो, ये हैंडल में एक फ़ायदा लगता है मेरे को कि ओल्ड फील आ जाता है थोड़ा सा, और जब इस हैंडल के साथ सीट भी चेंज होता है ना जो सक्षम वाली बुलेट में है, सक्षम वाली रिबॉन में सीट जब ओल्ड वाला लग जाता है ना स्प्रिंग के साथ तो प्रॉपर स्ट्रेट हो जाता है, तब पूरी ओल्ड क्लासिक वाली सिटिंग पोस्चर आ जाती है, ओल्ड क्लासिक वाला पूरा फील आ जाता है, बस साउंड नहीं आता और इंजन नहीं आता क्योंकि ये वाली जो रिबॉन वाली इंजन है जे सीरीज वाली इंजन है। और बहुत को कमेंट करते कि इसमें पटाखा फूटेगा कि नहीं, तो नहीं भाई पटाखा नहीं फूटेगा, अपने अपने बैक फायर ज़रूर मारेगा लेकिन पटाखा नहीं फूटेगा ना बैक फायर आएगा, तो वो बात थोड़ा सा दिल पे लगता है क्योंकि EFI वगैरह है एंड J1 सीरीज का इंजन है, कार्बोरेटर सिस्टम वगैरह रहता ना ओल्ड इंजन रहता ना तो आ जाता, लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं आएगा एज सच।